Good morning students, here is the second part or the second video of class 7 chapter 2 Institutions of Democracy. In this video we will study about the next topic, Election Commission of India. In this chapter we will study about the structure of Election Commission of India and their major functions. So let's start the topic. Okay, Election Commission of India, in order to make democracy फंक्शन इफेक्टिवली, यानी कि बेटा जब भी हम डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को अच्छे से चलाने की बात करते हैं, तो हमें इलेक्शंस कराना बहुत ज़रूरी है. और इलेक्शंस कराने के लिए हमें किसी इंडिपेंडेंट बॉडी का या एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है. तो इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्शन कमीशन, शॉर्ट में हम इसे EC कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो यही हमारा आज का टॉपिक है. तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को अच्छे से कराने के लिए और इलेक्शंस को फ्री और फेयर, फ्री का मतलब है सभी लोग उसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी 18+ के इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो, इसके अलावा फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कितनी ही नई क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना रही हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को एक फेयर चांस मिलता है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फ्री होकर पार्टिसिपेट कर पाते हैं इलेक्शंस में, इलेक्शंस में कंटेस्ट कर पाते हैं और इलेक्शंस में जीतने का सबको इक्वल चांस दिया जाता है. इसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शंस, यानी कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम कह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी है और इसलिए इलेक्शंस वहाँ पर होते हैं. और इलेक्शंस करवाने से ज़रूरी, यानी कि जब भी बेटा आप इलेक्शंस की बात करते हो, जब भी या फिर इंडिया में इलेक्शंस कराए जाते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस कराए जाते हैं, तो वो इलेक्शंस तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तब ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जब वो फ्रीली और फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएँ. ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इलेक्शंस के लिए लोग डिमांड करते हैं, ताकि सबको फ्री और फेयर चांस मिले इलेक्शंस में खड़े होने का और इलेक्शंस में जीतने का. इसके बाद इन इंडिया द टास्क ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में कराने का जो काम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेटा सिंगल हेडेड बॉडी है, यानी कि एक हेड होते हैं और दो ऑफिसर्स उन्हें हेल्प करने के लिए काम करते हैं. यानी कि इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ, एक आपके पास इलेक्शन कमीशन, दूसरा इलेक्शन कमीशन में एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स. तो टोटल कितने हो गए, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस दो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो टोटल हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट हेड्स होते हैं. ठीक है, हम लोग बेटा जब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इसे शॉर्ट में CEC या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन हैं, सुनील
अरोरा। और हमारे पास दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं आपके अशोक लवासा और दूसरे हैं आपके सुनील चंद्रा। ओके बेटा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास, एक बार हम ब्रीफ में समझ रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक इलेक्शन कमीशन है। उस इलेक्शन कमीशन के हेड पोजीशन पर तीन लोग होते हैं, उसमें से एक सीनियर है जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जो कि अभी कौन है, सुनील अरोड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करने के लिए या उनको असिस्ट करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जो कि अभी कौन है, दोनों पहले हैं अशोक लवासा, दूसरे हैं सुशील चंद्रा। तो ये नाम अभी हमने देखे, आप इन्हें कहीं लिख लें, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, टू इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर, कौन, सुनील अरोड़ा। द हेड ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, CEC। ओके, अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और कौन करते हैं, जरा ये सुनते हैं। हमारे पास बेटा इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किसने की, प्रेसिडेंट ने की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हेल्प करने के लिए बेटा जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट सजेशन लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और उनके सजेशन की हेल्प से इन दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है। प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की, इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सजेशन से या हेल्प से बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रजिस्टर्स वोटर्स इन द कंट्री। वोटर्स इन द कंट्री का मतलब क्या है बेटा, जितने भी लोग 18 प्लस के हर साल या हर कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद लोग 18 प्लस का एज अटेन करते हैं, उन लोगों के नाम एक वोटर्स लिस्ट में ऐड ऑन किए जाते हैं। किस में ऐड किए जाते हैं बेटा, वोटर्स लिस्ट में ऐड ऑन किए जाते हैं। तो उस वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना, यानी कि जो भी 18 प्लस के हो गए हैं उनका नाम उसमें ऐड करना, और जिन भी लोगों की डेथ हो जाती है और उनके नाम वहाँ से डिलीट करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। इसके बाद वो क्या करते हैं, अलॉट्स सिंबल्स टू द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, कई लोग, हम लोग जैसे बेसिकली बेटा क्या है, इलेक्शन कमीशन उनको अलग अलग सिंबल देता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके पास बहुजन समाजवादी पार्टी की, ठीक है, या फिर भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या कांग्रेस के नाम से जिनसे आप जानते हैं, जैसे कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो हैंड है, बहुजन समाज पार्टी का सिंबल एलिफेंट है, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लोटस है, ठीक है। तो ये अलग अलग, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग सिंबल होता है। सेम इसी तरीके से बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड या जुड़े हुए नहीं होते, तो उन्हें भी अलग अलग सिंबल दिया जाता है। तो ये काम किस
इलेक्शन कमीशन के ये फंक्शंस हैं कि वो क्या काम करते हैं। पहला फंक्शन क्या है, वोटर्स लिस्ट अपडेट करना, वोटर्स लिस्ट बनाना, सिंबल्स प्रोवाइड करना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को। और सबसे ज़रूरी फंक्शन क्या है, जो तीसरा फंक्शन है, कि इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराना, यानी कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा नई हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा पुरानी हो, तो इस तरीके से किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना ही किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ कोई प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़े। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इलेक्शंस को फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा वोटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।